इंडिया अलायंस का एक महत्वपूर्ण घटक दल जेडीयू दूर हो रहा है, एनडीए में वापसी कर रहे हैं नीतीश कुमार, अभी देखते हैं। लगता है कि ये बड़ा झटका है महागठबंधन को, अभी मोदी जी को कैसे हराएंगे? अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। आपको लगता है वापसी हो सकती है अभी भी, क्योंकि लगभग तो कंफर्म हो चुका है? अभी देखते हैं, जा चुके हैं, अभी देखते हैं। अगले 24 घंटे में इस्तीफा हो सकता है उनका? देखते हैं, अभी देखते हैं क्या क्या हो रहा है। पलटू कुमार सुशासन कुमार फिर से बनने जा रहे हैं, देखते हैं। देखिए, आज पूरा देश 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मना रहा है। बाबरपुर विधानसभा के अंदर ये जो बस टर्मिनल है, यहाँ पर हर साल हम लोग ईद मिलन प्रोग्राम करते हैं, दीपावली मिलन प्रोग्राम करते हैं, और 26 जनवरी को ये तिरंगा उत्सव के माध्यम से यहाँ पर सभी धर्म के लोग, सभी समाज के लोग मिल करके एक साथ तिरंगे का सम्मान करते हैं और धूमधाम से उन शहीदों को सलामी देते हैं जो इस देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिए, जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया। क्योंकि आज 75 साल बाद शायद हम वो महसूस नहीं कर पाते हैं कि हमारा देश जब गुलाम था उस समय कैसे इस देश के सभी लोगों ने मिल करके इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, कैसे हिंदू मुस्लिम्स ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, आदिवासियों ने, दलितों ने, देश के हर कोने के लोगों ने, हर भाषा के लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी। तो बाबरपुर के अंदर हर साल ये तिरंगा उत्सव उन शहीदों की याद में हम आयोजित करते हैं और एक ही संदेश देते हैं कि हमें अपने लिए भी जीना है, अपने परिवार के लिए भी जीना है, लेकिन सबको मिलकर के इस देश के लिए जीना है। तिरंगा उत्सव का यही संदेश हम देते हैं तमाम सभी कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से, नाट्य नाटिका के माध्यम से उन शहीदों को हम याद करते हैं और लोगों के दिलों में देशभक्ति का जज्बा इस तिरंगा उत्सव से जगाने के लिए हम हर साल प्रयास करते हैं। इस बार 26 जनवरी को इतने बड़े तादाद में सभी लोग इसमें शिरकत किए हैं, सभी लोगों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। सर, जो झांकियां थी दिल्ली और पंजाब की, शायद अगले साल दिखेंगी, लेकिन इस साल दिखती तो शायद दिल्ली और पंजाब का मॉडल पूरा विश्व देखेगा। निश्चित रूप से मेरे ख्याल से ऐसा जो सरकार ने निर्णय लिया कुछ सोच समझ के लिया होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि आगे से इस तरह का जो डिस्क्रिप्शन है नहीं होगा। तो पूरा देश 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस पूरे देश की अगर कहें तो एक झलक दिखती है, तो मुझे लगता है कि उसमें राजनीति से ऊपर उठ करके सभी देशवासियों का प्रतिनिधित्व, सभी सरकारों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।